are going to write in our EVS CW. Okay, so first take out your EVS CW. जहाँ पे हमने previous video lecture में लिखा था new words और name of the festivals. Okay, तो वो complete करने के बाद, okay, आपको आज मैं जो लिखवाने वाली हूँ वो लिखना है आपको, ठीक है? तो आज इस video में हम लोग लिखेंगे answer the following questions. Okay, answer the following questions करने वाले हैं. जो क्वेश्चन आपके क्लिप्स पे दिए हुए हैं पेज नंबर 211 पे, पेज नंबर 211, ओके, वहां पे आप देख सकते हो 5 क्वेश्चंस हैं. तो क्लिप में से देख के आप क्वेश्चंस लिख सकते हो. ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं और अभी आंसर आप मेरे साथ लिखोगे. ओके, सो लेट्स राइट दी आंसर्स. Question number 1 is, write down, when is Christmas celebrated? When is Christmas celebrated? यानी कि हम लोग क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? कब सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस? 25th December every year. Okay, every year, हर साल हम लोग 25th December पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. Okay, so write down answer. Christmas is celebrated. Okay, Christmas का spelling यहाँ पे है, celebrated का spelling यहाँ पे है. Christmas is celebrated. कब celebrate करते हैं? On 25th December. 2525 करके यहाँ पे ऊपर आपको T H D ने 25th December. D E C E M D E R December. D E C December. Christmas is celebrated on 25th December every year. यानी कि हर साल. G V E R Y E A R. Full stop. Okay? तो question क्या था हमारा student? When is Christmas celebrated? Christmas कब celebrate करते हैं हम? So answer is Christmas is celebrated on 25th December every year. Now question number 2. Where do the Sikh go to pray on the day of Guru Nanak Jayanti? तो Guru Nanak Jayanti पे जो Sikh धर्म के लोग हैं, वो pray करने कहाँ पे जाते हैं? Where यानी कि कहाँ पे? कौन से place पे? Sikh धर्म के लोग जहाँ पे pray करने जाते हैं student, उसको बोलते हैं गुरुद्वारा. Okay, ऐसा place जहाँ पे ये लोग pray करते हैं Guru Nanak Jayanti के दिन. Okay, so write down answer. और आंसर इज द सीख गो टू. ओके, द सीख गो टू कहां पे जाते हैं? गुरुद्वारा. जी यू आर यू डी डब्ल्यू ए आर ए गुरुद्वारा. जी यू आर यू डी डब्ल्यू ए आर ए गुरुद्वारा. द सीख गो टू गुरुद्वारा. ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन में से यहाँ पे लिख के आंसर कंप्लीट करेंगे. टू प्रे ऑन द डे ऑफ गुरु नानक जयंती. ओके, क्वेश्चन में से पूरा सेंटेंस हम लोग यहाँ पे लिख के ये कंप्लीट करेंगे. सो राइट डाउन, टू प्रे ऑन द डे ऑफ गुरु नानक जयंती. तो हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? वेयर डू द सिख गो टू द प्रे ऑन द डे ऑफ गुरु नानक जयंती? सिख लोग कहां पे जाते हैं प्रे करने? सो आंसर इज गुरुद्वारा. तो हमने क्या लिखा? द सिख गो टू गुरुद्वारा. द सिख गो टू द गुरुद्वारा. ओके, गुरुद्वारा जाते हैं. फिर यहां से हमने कंटिन्यू किया पूरा सेंटेंस, टू प्रे ऑन द डे ऑफ गुरु नानक जयंती. दिस इज आवर आंसर. अभी आप लोग अपनी बुक में कंटिन्यू करोगे. क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी टू हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. यानी कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है? नेम ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओके, हार्वेस्ट फेस्टिवल के नेम, पर कितने? ओनली 2. तो कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल? ओणम, पोंगल, बैसाखी, मकर संक्रांति, भोगली बिहू. ओके, ये सब जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है. तो यहाँ पे हम लोग 2 नेम ही लिखेंगे. सो राइट डाउन आंसर.
नंबर वन करके लिखेंगे ओ एन ए एफ ऑना. नेक्स्ट वन पी ओ एन जी ए एल पोंगर ऑना मैन पोंगर. ओके ये स्पेलिंग आपको लर्न करने स्टूडेंट स्पेलिंग सबको बाय हार्ट करना चाहिए सभी स्पेलिंग. क्वेश्चन नंबर फोर नेम एनी टू नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. ओके हमारी कंट्री में हमारे भारत देश में जो नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके नेम हमें यहाँ पे लिख रहे हैं बट ओनली टू. तो कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल्स है टोटल थ्री रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. तो उनमें से हम लोग दो के लिए लिखेंगे. सो राइट डाउन आंसर आर ई पी यू डी एल आई सी आर ई पी यू बी एल आई सी डी ए वाई डे रिपब्लिक डे. क्या लिखा मैंने रिपब्लिक डे. नेक्स्ट वन लिखेंगे टू करके जी ए एन डी एच आर जे ए वाई ए एन टी आई गांधी जयंती. ओके रिपब्लिक डे गांधी जयंती ये लिखा है मैंने रिपब्लिक डे. ओके गणतंत्र दिन गांधी जयंती. चलो क्वेश्चन नंबर फाइव व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड. गांधी जयंती हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं कौन सी डेट को सेकेंड अक्टूबर. ओके एवरी ईयर सेकेंड अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है. सो राइट डाउन आंसर जी ए एन डी एच आर जे ए वाई ए एन टी आई गांधी जयंती इज गांधी जयंती इज यहाँ पे क्वेश्चन में गांधी जयंती का स्पेलिंग है गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड सीईएलईटीआरएटीईडी सेलिब्रेटेड उसका भी स्पेलिंग यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके तो आपको लिखने में इजी रहेगा गांधी जयंती सेलिब्रेटेड कब सेलिब्रेट करते हैं ऑन सेकेंड टू करके ऊपर एन डी लिखना है सेकेंड अक्टूबर ओ सी टी ओ बी आर ओ सी टी ओ बी आर अक्टूबर सेकेंड अक्टूबर गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड अक्टूबर. सेकेंड अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे आंसर तो फॉलोइंग कंप्लीट होते हैं और लेसन नंबर एट भी कंप्लीट होता है. तो आपको अच्छे से राइटिंग में ये लिखना है लर्न भी करना है और एक एक स्पेलिंग बाय हार्ट करने हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट होता है. अगर आपने सीडब्ल्यू बुक कंप्लीट नहीं की है तो जरूर कंप्लीट करें क्योंकि एग्जाम में सीडब्ल्यू में से भी यानी कि हमारी स्मॉल बुक में से भी ये क्वेश्चन आंसर्स